The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. तो अगर बच्चे ने एक ऐसा कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई चीज नाक के थ्रू सूंघ ली, कोई मोती दाना, कोई ऐसी चीज सूंघ ली और वो एक्चुअली आपकी सांस की नली में चला गया, इनहेल हो गया है, भगवान अब क्या होगा, बहुत खतरनाक सिचुएशन है वो. सो इफ योर चाइल्ड इनहेल्स अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, पहला इनहेल हो गया मतलब सांस की नली में, तो फिर वो चोकिंग करे. कैसे पता चलेगा सिर्फ नाक में है कि इनहेल नाक में है, तो एक नाक में है तो दूसरे से सांस ले सकता है, मुंह से सांस ले सकता है, चोकिंग नहीं होगी. चोकिंग हो जाएगी खाना अगर सांस की नली में चला गया. कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट खाना हो, कोई मोती हो, कोई चौक हो, कोई ऑब्जेक्ट हो जो सांस की नली में चला गया, तो वो चीज़ आपका उसको बोलेंगे कि वो इनहेल हो गया. ऐसे में फिर आपको क्या करना होगा, तुरंत के तुरंत अस्पताल जाना चाहिए. टेक्निकली और कुछ नहीं, तुरंत के तुरंत अस्पताल जाना है इफ़ द इनहेल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉजिंग चोकिंग. ठीक है. और फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं घर पे, इफ़ द पर्सन इज एबल टू कफ, खांसी कर सकता है फोर्सफुली, देन द पर्सन शुड कीप कफिंग, खांसी करते रहो खांसी करते रहो. और अगर कोई पर्सन चोक कर रहा है और बात नहीं कर पा रहा, कैन नॉट टॉक, तो या फिर दे कैन नॉट क्राई, दे कैन नॉट लाफ फोर्सफुली, तो फिर आपको 5 and 5 अप्रोच अपनाना है. 5 and 5 अप्रोच. नाउ व्हाट इज 5 and 5? 5 and 5 अप्रोच, दिस इज गिवन बाय द रेड क्रॉस. पहले गिव 5 ब्लोज, स्टैंड टू द साइड एंड जस्ट बिहाइंड द चोकिंग, जो थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा साइड और थोड़ा सा पीछे खड़ा होना है. अगर बच्चा है तो बच्चे के लिए नील डाउन हो जाएंगे. एक हाथ को आपको क्या करना है, उसके चेस्ट पे रखना है सपोर्ट के लिए और उसको बेंड करना है. उसके बाद क्या करना है, बेंड पर्सन उसके वेस्ट से और अपर बॉडी को ग्राउंड से पैरेलल, मतलब अपर बॉडी को ग्राउंड से पैरेलल कर देना है. उसके बाद 5 separate बैक पे ब्लोज मारने, भा बैक पे ब्लोज मारने हैं, शोल्डर जहां कहां पे शोल्डर ब्लेड जो है उसके बीच में विद द हील ऑफ योर हैंड, भम 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 भम, 5 blow मारने, 5 bukke मारने उसको. ठीक है, दैट इज देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव 5 back blows, फिर 5 abdominal thrust. ये कहा एब्डोमिनल थ्रस्ट, मतलब इसमें क्या करना है, जिसको हेलमेट मैन्यूवर करते हैं, जिसके लिए आप पीछे से खड़े होके उसकी नाभि के जस्ट ऊपर पे इसमें ये करके उसको जोर से खींचते हैं ऊपर, पीछे से, उसके पीछे से जो खींचते हैं उसको हेलमेट मैन्यूवर कहते हैं, उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट बोलते हैं. वो 5 बार करेंगे आप, पहले बैक ब्लोज फिर 5 बार एब्डोमिनल थ्रस्ट. ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट करना है, 5 blows 5 thrust, 5 blows 5 thrust. इसी को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऐसा नहीं करे जा रहे पीछे से ही पीछे से, 5 and 5 अप्रोच, 5 blows झुका के फिर पीछे से पकड़ के 5 thrust, ऐसा अल्टरनेट करेंगे अंटिल वो निकल जाए. अगर आप अकेले हैं तो ये आप 5 blows 5 plus करेंगे, पहले करेंगे, पहले इमरजेंसीज को कॉल नहीं करेंगे, पहले ये करेंगे. और दूसरा कोई पर्सन अवेलेबल है तो उसको बोलेंगे भैया चलो एम्बुलेंस कॉल करो, लेट्स सेव दिस गाय, बचाना ज़रूरी है, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, तो आप प्लीज़ एम्बुलेंस कॉल करिए, फटाफट लेके जाएंगे. पहले आप करें. जिसने इनहेल किया है अगर वो भैया जो अनकॉन्शियस हो गया, तब क्या करेंगे, खतरनाक सिचुएशन. अनकॉन्शियस बेहोश, तो उसको हम उसके बैक पे ग्राउंड पे लेटा दो. ठीक है, अगर आपको मुंह के अंदर फॉरेन ऑब्जेक्ट दिख गया तो फिंगर से उसको स्वीप करके निकालो, अगर नहीं दिखा तो कुछ नहीं करने का. तो बी केयरफुल, उसमें अगर उसको दिख रहा है उसको अंदर और पुश नहीं कर देना गलती से भी एयरवे में. ठीक है, अगर तो ऑब्जेक्ट स्टक है और पर्सन जो है इस चीज़ से दिख नहीं रहा तो इसको छोड़ दो, और अगर अनकॉन्शियस हो गया तो आपको करना पड़ेगा CPR करना पड़ेगा. CPR में आप उसका पहले ब्रीदिंग देखोगे, पल्स देखोगे, रेस्पिरेशन देखोगे, सांस चल रही नहीं चल रही, पल्स आ रही नहीं आ रही, पल्स नहीं आ रही, CPR छाती पे दबाना शुरू कर दो. ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट.
दैट इज इंपॉर्टेंट, चेस्ट प्रेस्ट कंप्रेशन. इसमें क्या है, बैक ब्लो टेक्निक्स अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वो नहीं सिखाती, ये रेड क्रॉस वाले बोलते हैं, वो एब्डोमिनल थ्रस्ट प्रोसीजर ही सिखाते हैं कि हेलमिच हेलमिच करो. ये देखो दोनों कर सकते हैं, सिर्फ हेलमिच मैन्यूवर भी कर सकते हो, ये दोनों भी कर सकते हो. आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये नहीं चल रहा तो लेट्स वर्क समथिंग एल्स, कुछ तो करें, है दैट इज इम्पॉर्टेंट. और अगर आप इसको सीखना चाहते हो इसका प्रोसीजर अलग से दिखा देंगे किसी दिन, या आप इसके लिए वीडियो देख सकते हो. इसका बेसिक समझा देते हैं, एब्डोमिनल थ्रस्ट का जो कैसा है बता देते हैं. उसके लिए पीछे खड़े होना है, बिहाइंड द पर्सन, और एक फ्लूट एक पैर को थोड़ा आगे की तरफ लेना है, एक पैर थोड़ा पीछे, तो बैलेंस हो जाएगा आपका. और उसके बाद उसके पेट में जो पर्सन है उसके पेट में आपका हाथ जाना चाहिए, उसके वेस्ट के पास, और उसको पर्सन को थोड़ा सा ऊपर खींचना होता है. ठीक है, बच्चा है तो आपको नील डाउन होके ऊपर खींचना होता है. अब क्या होगा, एक हाथ से आपको मुट्ठी बनानी है, उसको मुट्ठी को क्या करना है, उसके नेवल पे, उसके जस्ट नेवल के जस्ट नीचे रखना है, मुट्ठी को जस्ट नीचे रखना है, और फिस्ट को दूसरे हाथ से ग्रैब करना है, ऐसे दूसरे हाथ से फिस्ट को ग्रैब करके इस तरह से फक से उसके मुट्ठी से पीछे से पोजीशन करके उसको करना है, ग्रैब द फिस्ट विद द अदर हैंड. ठीक है, और अपवर्ड्स, और उसको क्या, उसमें आपको ट्राई क्या करना है, बंदे को उठाने का ट्राई करना है. जी हाँ, जैसे आप उसको उठाने का ट्राई करोगे, उसको उठाने का ट्राई करना है ऊपर, लेकिन ऐसे नहीं उठाना, उसको उसके पेट के थ्रू उठाने का ट्राई करना, दैट्स हाउ इट इज. इसमें कितनी बार करोगे, 6 से 10 बार ये हमारे कर सकते हैं आप. 5 बार वो बता रहे रेड क्रॉस वाले, 5 ये 5 ये, आप इसको 6 से 10 बार कर सकते हैं, या अनटिल ये बाहर निकल जाए, तो दैट इज इम्पोर्टेंट. इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी है जो कि प्रेग्नेंट लोगों के लिए, मोटे लोगों के लिए होता है. उस केस में क्या है कि चेस्ट, उसको ये हाथ जो है उसको नीचे की जगह ऊपर रखा जाता है, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी का पेट उसके ऊपर रखा जाता है, उस केस में चेस्ट पे कंप्रेशन दिया जाता है रादर देन बैक. वो चेस्ट में कंप्रेशन दिया था, वो किसके लिए, बहुत ही मोटा आदमी है, पेट हिल ही नहीं पा रहा, या फिर प्रेग्नेंट लेडी, ये इंपॉर्टेंट है. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप खुद में भी कर सकते हो ये, यू कैन परफॉर्म द हेलमिच मैन्यूवर ऑन योर सेल्फ ऑल्सो इफ यू आर चोकिंग. आप अकेले हो, कोई है नहीं, अकेले हो, हे भगवान मैं क्या करूं, फंस गया, कोई बचाओ कोई बचाओ, किसी को नहीं आता तो क्या करोगे. आप क्या कर सकते हैं, आप बैक ब्लोज तो नहीं कर सकते, मुक्का तो मार ही नहीं सकते, लेकिन एब्डोमिनल थ्रस्ट कर सकते हैं. उसके लिए क्या करेंगे, अपने एक मुट्ठी बनाएंगे, अपने नेवल के ऊपर रखेंगे, अपनी दूसरी फिस्ट लेंगे, हाथ को क्या बेंड ओवर द हार्ड सर्फेस, ऐसा कोई ना कोई कोई हार्ड सर्फेस के ऊपर, जैसे कोई कुर्सी है उसके ऊपर ऐसा बेंड करेंगे, है ना. और क्या करना है, इसको ये फिस्ट को बेंड करके आपने फिर ऊपर करना है, खुद से करना है, बेंड करके, नीचे बेंड करके, ओवर हार्ड सर्फेस. याद रखिए, किसी चीज़ के ऊपर से बेंड करने से, कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर से आप बेंड हुए और फिर आपने ऊपर खींचा, दैट्स हाउ यू डू इट. ये खुद के लिए, अपवर्ड्स और इनवर्ड के लिए. अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप बेहोश हो गए तब तो CPR आप खुद से तो कर ही नहीं सकते, सो इसीलिए दूसरे पर्सन को साथ रख लें, ऐसा सिचुएशन ना हो तो अच्छी बात है. ये हुआ मैनेजमेंट फर्स्ट एड फॉर समथिंग स्टक इन योर एयरवे. अगर आपके इनहेलेशन, आपके एयरवे, आपके लंग्स, आपके टकिया में कुछ गया तो ये करना पड़ेगा, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है. सो अगर सांस में कुछ फंस जाए जान जा सकती है. सो कृपया खाना खाते समय बातें मत करा करो. जी हाँ, बातें करते करते उपकार था ना वो खाना उसमें चला जाता है. सो खाना खाते समय बातें नहीं करनी है, खाना खाते समय बहुत ज़्यादा मुंह खोल खोल के नहीं, आराम से मुंह बंद करके चबाया करो, और खाना खाते समय बहुत कुछ नहीं करना, टीवी भी नहीं देखनी चाहिए. सो प्लीज़ शेयर दिस मैसेज टू एवरी सिंगल पर्सन यू नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो द बेसिक्स, राइट. गाने वाने बहुत हो गए, गाना गाने देखते रहेंगे, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, थैंक यू सो मच. दिस इज डॉक्टर परमजीत साइनिंग ऑफ. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर.